हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 7 मई और आज ही हमारी एनिवर्सरी। तो बस अभी नहा धोकर तैयार होगी। और देखो, कल मैंने मेहंदी लगाई थोड़ी सी, ऐसा नहीं थोड़ा सा लगाया था। और तो अभी बस अंशु कर रहे हैं वहाँ पर ब्रश, तो ये उठ गया और बस सोच रहे अभी मंदिर जाने के लिए। अब देखते हैं, अभी अंशु का पता भी सोए हैं, बस पूजा वूजा कर लेती हूँ मैं और उसके बाद थोड़ा सा हलवा वगैरह बनाऊंगी और उसके बाद फिर देखते हैं शाम को या अभी देखते हैं मंदिर जाएंगे हम। और अब शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर खीर। तो सुबह हम चले गए थे पास वाले मंदिर पर ही और अभी शाम को देखेंगे हम कहीं जाएंगे घूमने। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही, तो जो भी बोलते हैं ना अच्छे दिन एनिवर्सरी वगैरह वाला दिन जो है खीर वगैरह जरूर बनानी चाहिए। यहाँ पर मैंने खीर बना ली है थोड़ी और अब हम हो गए रेडी और हम जा रहे हैं। यार ब्लैकनेस आ गई थी नहीं? तो चलिए आप लोगों को भी घुमाने ले चलती हूँ अपने साथ। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह घुमाने ले जाऊंगी ना जो हरिद्वार में है, हरिद्वार में ही ले जा रही हूँ, पास ही में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। बट यहाँ पर क्या है ना, आपको इतिहास से लेकर देवी देवताओं तक सब कुछ एक ही जगह देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर जगह है और अगर आप लोग अभी तक हरिद्वार में यहाँ पर घूमने नहीं आए ना तो ज़रूर आइएगा, आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल इसकी मैं बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ घूमने ज़रूर आएंगे। तो बहुत ही सुंदर जगह और स्पेशली बच्चों को दिखाने के लिए बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको एक ही जगह में। तो अभी चलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर ग्रीनरी थी, तो थोड़ा मैंने यहाँ का भी शूट कर लिया है। तो अभी जगह का नाम मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, तो आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो ये वाला वीडियो, ये आपके पास दो पार्ट में आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह पे जा रहे हैं हम और बहुत ही सुंदर जगह है, तो इसलिए मैंने बहुत सारा शूट किया है और आप लोगों के साथ ये वीडियो दो पार्ट में शेयर करूँगी। तो ये फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ अभी आधा ही शेयर करूँगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा अगर फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा तो। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए सनसेट है जो देखने को बहुत कम मिलता है, तो यहाँ पर सनसेट का टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है इस टाइम पर 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा और शाम के टाइम ही जा रहे हैं हम। और पापा मम्मी आ गए थे तो मुझे पता नहीं था, वो सरप्राइज़ अचानक से आ गए थे, तो फिर हम बस तभी उनके साथ ही आ गए यहाँ पर घूमने के लिए। तो वो हमको लेकर आए यहाँ पर और चलिए अब हम चलते हैं। तो बस पहुँचने ही वाले हैं, तो जस्ट पहुँचते ही हम एंट्री करेंगे। तो ये सनसेट बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम आ गए हैं पायलट बाबा आश्रम या मंदिर कह सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए अब आपको अंदर लेकर चलती हूँ। इधर से है मंदिर शुरू हो गए। ओम नमः शिवाय ना। प्रणाम लग रही बताए देख। चलो हो गया। थोड़ी वो कर रहा हूँ, बहुत बड़ी दिख रही थी। नहीं फोटो खींच सकते पूरा अंदर। अरे उधर उधर बस हो गया। कौन सी कभी चाहिए दांत ही दांत दिखाई दे, वरना जूस बना के देना पड़ेगा इन्हें बहुत। ये देखिए झांसी की रानी। फोटो खींचते चलते हैं।
बाद में वीडियो तो बनती रहेगी। क्या लिखा है पापा? टेल ब्यूटी इज द, ठीक है, रियल ब्यूटी, रियल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ सोल। काम चल रहा था ये। अंशु टीका लगाओ, बस बस पीलो। चलिए अभी माता रानी की गुफा के अंदर लेकर चलते हैं आपको। तो इस तरह से बना हुआ है गुफा, तो धीरे धीरे चलते हैं। खा लो तो यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर सुंदर शिव परिवार है, राम दरबार है और झांसी की रानी, ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई, और विष्णु भगवान जी के 12 अवतार हैं, और काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत सारे सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, और आगे चल के आपको बहुत सुंदर गार्डन वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो अभी वो सब भी आपके लिए मैंने शूट किया है, तो धीरे धीरे वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाए गए देवी देवताओं को, और यहाँ पर बहुत बड़ी शिव जी भगवान की मूर्ति है, और नंदी महाराज है जो मैंने पहले शायद कहीं देखा होगा, और शायद आप लोगों ने भी कहीं देखी होगी इतनी बड़ी शिव जी की मूर्ति। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी इतनी बड़ी शिव जी भगवान की मूर्ति। तो आपने कहाँ देखी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह देखिए इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर जो है प्रतिमाएँ यहाँ पर बनाई गई हैं, और शिव जी भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर, और नंदी महाराज की भी देखी कितनी बड़ी मूर्ति है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही, आपने भी कहीं नहीं देखी होगी इसके लिए इतनी बड़ी शिव नंदी महाराज की मूर्ति। और ये देखिए कितने बड़े विशाल शिव जी महादेव जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए आज के लिए इतने, कल फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।